आज अपने चैनल पे मैंने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि अबाउट कॉलेज कैंपस टूर रहेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया था कि एक वीडियो डालो अबाउट कॉलेज कैंपस, तो वही वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ कॉलेज कैंपस के बाहर गेट के सामने, तो यहाँ से गेट से एंट्री लेते हुए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि अपना कैंपस कैसा है। ये मेरे लेफ्ट के साइड के हॉस्टल एरियाज को छोड़ के अगर मैं ये कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज है इस साइड में, और मेरे साथ है अभी सुबित मेरा दोस्त। फिलहाल इधर घूम के जा रहे हैं कैंपस का टूर करने। तो आपको सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उधर प्रोफेसर्स कॉलोनी है, और ये अपना लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का कैंटीन। तो कैंटीन के पास ही सटा हुआ है अपना इमरजेंसी वार्ड, जहाँ से इमरजेंसी वार्ड का एंट्री होता है। ये मेनली हॉस्पिटल बिल्डिंग है, तो ये जो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का, तो ये पूरे नए इंफ्रास्ट्रक्चर नए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। दिखने में भी कितना सुंदर लगता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। और हम सीधा देखें तो उधर से हम लोग आए थे, और आके कैंटीन होते हुए हम लोग इस हॉस्पिटल के पास आए। एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्पिटल बिल्डिंग के बीच में एक फील्ड, और आगे की ओर देखें तो जहाँ से हम गेट से आए थे वहाँ से मेन रूट है व्हीकल का आने जाने का, और इधर से ही सारे व्हीकल्स का आना जाना होता है इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग। और सामने वो जो हॉस्पिटल का पार्ट था जिनको मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया, फिर से मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तो ये सामने रहा अपना एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। शुरू होता है लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक टूर, तो चलिए अंदर घुसते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो जिससे अलग बनाता है अपने लखीमपुर मेडिकल कॉलेज को। तो लेफ्ट साइड में घुसते ही आपको मिल जाएगा सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये सारा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो आपको मैं पहले ले जाऊंगा सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर, और सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर जाते हुए रास्ते में मिल जाता है अपना जिम। यहाँ एक छोटा सा जिम भी अवेलेबल है जहाँ पर आके हम लोग यहाँ पर जिम करते हैं। और आगे आप लोगों को मैं ले जाऊँगा सेंट्रल लाइब्रेरी। और सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू होता है यहाँ से। सेंट्रल लाइब्रेरी के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक पार्ट में जिसमें अगर आपने बुक्स लाए हैं तो आप एक दूसरे पार्ट में चले जाएंगे जो कि इधर है, और एक पार्ट है सेंट्रल लाइब्रेरी का जिस पार्ट में अगर बुक नहीं लाया गया है, अगर लाइब्रेरी से बुक उठा के पढ़ना है तो इस पार्ट में आके आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये था अपना सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि बहुत बड़ा है, और ऑलमोस्ट सारे बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और अगर सेंट्रल लाइब्रेरी को छोड़ते हुए मैं अगर लेफ्ट साइड में आ जाऊँ तो यहाँ पे मिल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन हॉल के बीचों बीच अपने पास है खाली जगह जो कि बहुत अच्छा है, एक गार्डन टाइप सीनरियो क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे फिर से मैं वापस आ गया हूँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास, जहाँ से मैं अपने क्लिनिकल फिजियोलॉजी को दिखाऊँगा। क्लिनिकल फिजियोलॉजी एक पार्ट है प्रैक्टिकल का, तो ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी रूम है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और ये एक फनी एक्सपेरिमेंट था। तो अभी मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। जो फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है हमारे दो लेक्चर हॉल 1 एंड लेक्चर हॉल 2, और लेक्चर हॉल 1 में हमारे सारे एनाटोमी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के क्लासेस होते हैं, थ्योरी क्लासेस। और ये मॉर्निंग का सीनेरियो है जब मैंने एक छोटा सा टाइम लैप्स लिया था अपने बैचमेट्स के साथ, तो यहाँ पे ऐसे क्लास में एंट्री होती है। और ये क्लास के पास ही अवेलेबल है एक विंडो जहाँ से हम लोग को दिखाई देता है बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, और ये है लेक्चर हॉल 2 सेम एज ऑफ लेक्चर हॉल 1। और मैं बाहर निकलते ही फर्स्ट फ्लोर में इधर है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट और इधर है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ है डेमोन्स्ट्रेशन रूम जहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल के थ्योरी क्लासेस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, और ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन रूम। अभी हमें ले जाऊंगा बायोकेमिस्ट्री का लैब, शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा और इतना फैसिलिटी वाला लैब अवेलेबल होगा। तो मैं किसी मेडिकल कॉलेज को कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और ये प्लेस होता है जहाँ पे अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, और ये कुछ स्पेसेस दिए गए हैं अपने बैग्स रखने के लिए। और यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स नहीं है क्योंकि ये रिएजेंट प्रिपरेशन रूम्स में रखे जाते हैं, और यहाँ पे कुछ प्लेसेस में हम लोगों के रोल नंबर सेटअप होते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को बैठना होता है और सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना होता है। तो ये था अपना बायोकेमिस्ट्री का लैब, और लैब से मैं निकलता हूँ। लैब से निकलते ही आप लोगों को दिखाई देगा बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है अपने प्रिंसिपल सर का ऑफिस। मेन ऑफिस यहाँ नहीं मिलेगा, मेन ऑफिस मिलेगा हॉस्पिटल बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे। तो ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस का सब्जेक्ट है, और ये फार्माकोलॉजी लैब के पास है स्किल लैब जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्किल लैब है।
अभी मैं आ चुका हूँ सेकेंड फ्लोर में। सेकेंड फ्लोर में बेसिकली अवेलेबल है डाइसेक्शन हॉल, एनाटॉमी डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, और कम्युनिटी मेडिसिन भी यहाँ पे शामिल है बीच में। और ये है कुछ सीनेरियोज, और मैं इधर दिखाऊंगा तो आप लोगों को दिखाई देगा कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट। ये सारा कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। फर्स्ट ईयर MBBS में थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी मेडिसिन का भी पढ़ाई होता है, और सामने दरवाजे के उस पार हम लोगों को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, जैसे सारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, और आगे था फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो यहाँ से अपना शुरू होता है एनाटॉमी डिपार्टमेंट, और एनाटॉमी डिपार्टमेंट शुरू होते ही लेफ्ट साइड में अपना है हिस्टोलॉजी लैब, और हिस्टोलॉजी लैब के मैं कुछ सीन्स दिखाने जा रहा हूँ। तो ये था अपना प्रैक्टिकल क्लास, और यहाँ जितने सारे माइक्रोस्कोप अवेलेबल, शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा इतने माइक्रोस्कोप और एडवांस माइक्रोस्कोप अवेलेबल होंगे, जहाँ से हमारे स्लाइड्स इतने क्लियर दिखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत आसान होता है। और ये मेरे बेस्टमेट के साथ कुछ मैंने सीन्स लिए हैं हिस्टोलॉजी लैब में। और ये कुछ स्लाइड्स हम लोगों को देखने होते हैं, जहाँ से पता चलता है कि कौन से टिश्यू का ये स्लाइड है। और मैं आगे निकलूं तो ये सारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स का रूम है, एंड यहाँ से हम लोग देखें तो पास ही में अपना एनाटॉमी का डेमोन्स्ट्रेशन रूम, और डेमोन्स्ट्रेशन रूम से निकलते ही हम लोगों को डाइसेक्शन हॉल के पास मिलेगा एनाटॉमी का स्पेसिमेन म्यूजियम। और यहाँ पे स्पेसिमेन म्यूजियम पे बहुत सारे स्पेसिमेन रखे गए हैं, जो कि हमारे रेस्पेक्टेड HODs ने अपने मेहनत से खुद प्रिपरेशन किया है जितना तक मुझे पता है। नहीं, और बहुत सारे स्पेसिमेंस सेफली कहीं सेफ जगह पे स्टोर किया गया है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसी के पास है डाइसेक्शन हॉल, जहाँ पे हम लोग एनाटॉमी के सारे डाइसेक्शन करते हैं। और ये जो दो बॉक्स हैं यहाँ पे अपने कैडेवर रखे गए हैं, जिनको मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को डेड बॉडी या कैडेवर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट डे कैडेवरी को ओथ लिया था। और यहाँ पे हमारे डाइसेक्शन हॉल पे हमेशा क्राउडेड रहता है, क्योंकि एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट करने के लिए चारों तरफ से हमारे ही बैचमेट्स घिरे रहते हैं। और ऐसे ही हम लोगों को सीखने को मिलता है अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं अभी पहुंचा हूँ थर्ड फ्लोर पे, और मेरे साथ है ब्राजील। और थर्ड फ्लोर पे सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर MBBS के, तो इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है, फिर भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल है थर्ड और फोर्थ लेक्चर हॉल, अभी यहाँ पे यूजेस नहीं है, स्टूडेंट सिर्फ हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बैच हैं। तो यहाँ थर्ड फ्लोर पे है वायरोलॉजी लैब, हमारे लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का वायरोलॉजी लैब यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है, और मुझे वायरोलॉजी लैब के बारे में इतना पता नहीं है। और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को छोड़ के यहाँ पे है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बीच में है एक सेंट्रल AC के पास एक खाली जगह बैल्कनी टाइप, यहाँ से कुछ अच्छे व्यू दिखाई देते हैं। तो यही था ओवरऑल कॉलेज, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जो भी होता है सब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली अबाउट आउटसाइड लाइफ जो होता है एक मेडिको का, तो उसके बेसिस पे रहेगा, जो कि मैं अपने MBBS लाइफ को छोड़ के कुछ अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।